एक दो लड़कियां तो सच्ची हैं और इतनी दुनिया सारी झूठी है। जो आज 6-7 करोड़ लोग हैं वो सभी झूठे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये राजनीति खेल रहे हैं, राजनीति खेलते नहीं, ये ड्रग मासी है। स्वागत है जहाँ हर चीज़ आपको फैक्ट के साथ दिखाई जाती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेरा सच्चा सौदा के एक और श्रद्धालु। आइए जानते हैं डेरे के बारे में उनकी क्या राय है। मैम आपका नाम? आशा रानी। आशा जी, आपको डेरे में आते हुए कितना टाइम हो चुका? 1987 में परमपिता जी से नाम लिया था मैंने, तब से डेरे में ही जुड़े हुए हैं। आज तक, इस टाइम तक भी चाहे लोग कुछ भी कहते हों, पर हमें इतना विश्वास है। विश्वास क्या, हम तो कहते हैं हमारी जान भी उनके लिए, उनकी उनके लिए हम और वो हमारे लिए ही हैं। जैसा हमको दिया वैसा मैं कहती हूँ सारी दुनिया को जोड़ के रखें और उसी तरह खुशियाँ उनको भी प्राप्त हो। जो भी भूला भटका इधर उधर फिर रहा है वो गुरुजी के चरणों में आके एक बार देखे और उसका नज़ारा ले के देखे। क्या नज़ारा आता है, क्या खुशी मिलती है, क्या प्यार मिलता है उन लोगों के लिए। कहीं भी होंगे पिताजी, हमारे लिए एक एक पल भी हमारे साथ हैं, यहीं हैं, मौजूद हैं। जहाँ भी सत्संग हो रही है, भंडारा हो रहा है, जो भी हो रहा है, पिताजी खुद मौजूद ही होते हैं। ये तो आँख ही होनी चाहिए देखने वाली। लोग कहते हैं वहाँ बेटियाँ नहीं सुरक्षित, यहाँ कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लोगों की बेटियाँ घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, इधर उधर भी सुरक्षित नहीं हैं, जैसे पिताजी के साथ सुरक्षित हैं। पिताजी ने तो अपनी वेश्या बेटा को, बेटियों को भी बेटियाँ ही बनाया और उनकी शादियाँ करवाई हैं और उनको अपनी बच्चों की तरह प्यार दिया है। जो अनाथ होते हैं उनको भी प्यार बहुत ज़्यादा दिया और उनको अपने आप अपने साथ खिलाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं। उनके जैसा प्यार कभी ना किसी को मिला और ना मिल सकेगा। हमें तो, हमारे घर में तो एक साइकिल भी नहीं थी। सच पूछो तो मैं बताती हूँ आपको, मेरे घर में तो एक तरह से सत्संग पे जाने के लिए किराया भी नहीं था। जब से हम जाने लगे, दिन दूना रात चौगुनी होते होते आज कोई भी कमी नहीं है जो मेरे घर में चीज़ नहीं होगी। व्हीकल है, मकान है, दुकान है, सब कुछ है, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। मैं तो कहती हूँ सारी दुनिया इस सतगुरु के साथ जुड़े और आके एक नज़ारा ज़रूर देखे और पल पल का नज़ारा जहाँ भी खड़े होंगे आपको साक्षात दर्शन होते रहेंगे। ये आपकी कमजोरी है अगर आप सिमरन नहीं करते या सेवा नहीं करते या परमार्थ नहीं करते। परमार्थ करने से तो दिन दुना और रात चौगुनी होती है। हमने तो जो जब जब परमार्थ किया देरी भी नहीं लगती। लोग तो कहते हैं देरी लगती है, मैं कहती हूँ देरी भी नहीं लगती। एक पल में ही मालिक पता नहीं कहाँ से कहाँ देता है और कहाँ से कहाँ आता है, ये मेरे को नहीं पता। गुरु जी के ऊपर इतने सारे मीडिया ने आरोप लगाए, ये शराम झूठ है, बिल्कुल गलत है। ये तो उन्होंने बस कोई राजनीति खेली है और कुछ नहीं है उसमें। ये तो झूठे शरा आम झूठे हैं, हम बजा बजा के कहते हैं। इतनी संगत कहाँ से आ रही है? एक दो लड़कियां तो सच्ची हैं और इतनी दुनिया सारी झूठी है। जो आज 6-7 करोड़ लोग हैं वो सभी झूठे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये राजनीति खेल रहे हैं, राजनीति खेलते नहीं, ये ड्रग मासी है, यह राजनीति है, बस और कुछ नहीं है इसमें। गुफा क्या है डेरे की? गुफा, गुफा क्या है? गुफा कुछ भी नहीं है, एक कमरा है, उसमें सतगुरु जी खाना खाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। हमने तो वो भी देख रखी है, उसमें भी कोई ऐसी बात ही नहीं। क्या गुफा है कोई, उसमें कोई खड्डा थोड़ी खोद रखा है। जो गुफा है कमरा ही तो है। आप कभी गुफा में गई हैं? आपने बताया तो वहाँ पे कैसे बिठा लड़कियाँ और लड़का वहाँ कैसे रहते हैं? अरे सभी साथ में ही होती हैं, साथ में संगत होती है, पूरी उनका परिवार होता है। गुफा के पास सारे लोग बैठती हैं, वहीं सब कुछ खाते हैं, पीते हैं, वहीं सत्संग होती है। पिताजी मीटिंग लेते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं संगत को। उनका हंसाने का मस्तक यही होता है कि संगत को खुशियां मिले, प्यार मिले। और उन्होंने क्या लेना देना होता है, वो तो एक भगवान के भेजे हुए एक हैं। जरूरत है समाज को इस वक्त गुरु जी की, समाज को जरूरत है गुरु जी की इस वक्त, बिल्कुल जरूरत है। मैं तो कहती हूँ कल का आते हुए अभी आ जाएं,
दे रूप में उनको आना जरूरी है। आएंगे तो जो बुराइयाँ हैं वो जल्दी से जल्दी छूट जाएंगी, नहीं तो ये सरकार भी देख रही है क्या हो रहा है दुनिया में और लोग भी देख रहे हैं, उनके बगैर कुछ नहीं होने वाला। सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार को यही अपील करते हैं जितनी जल्दी हो सके पिताजी को वापस भेजे, वे बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई भी कमी नहीं है उनमें। अगर कोई भी एक तिल मात्र भी कोई कमी हो तो हम अपना सिर कटवाने को तैयार हैं। धन्यवाद मैम, हमारे साथ जुड़े थे आशा जी, जिन्होंने हमको बताया कि डेरा सच्चा सौदा में वो काफ़ी टाइम लंबे समय से आ रही हैं और जितनी यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित हैं शायद ही कहीं बाहर हो। उन्होंने हमें गुफा के बारे में भी पूरे बताया कि वो खुद गुफा के अंदर इतने टाइम गई हैं और वहाँ पर उनको कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं दिखा। जुड़े रहिए फैक्ट को जानने के लिए फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।